सामान्यतः शिव जी की पूजा ज्यादातर की जाती है आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य रक्षा के लिए। भगवान शिव की पूजा से दरिद्रता का क्या संबंध है और दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है? देखिए, भगवान शिव ही सृष्टि के नियंत्रक हैं। सृजन, पालन और संहार, ये तीनों उनके अंदर लय होते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भाग्य के लिखे को बदलने की क्षमता केवल शिव जी के पास है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सके त्रिपुरारी। यानी अगर कोई तप करे, कोई साधना करे, तो भगवान शिव उसके प्रारब्ध को बदल देते हैं, उसके भविष्य को, भाग्य को परिवर्तित कर देते हैं। तो भाग्य के लिखे हुए को बदलने की क्षमता केवल शिव जी के पास है। अगर आपको धन या धन से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो सोमवार को शिव जी की पूजा से आप धन की उस समस्या को दूर कर सकते हैं। यहां तक कि भगवान शिव की सरल पूजा से दरिद्रता को भी समाप्त कर सकते हैं, दरिद्रता को भी नष्ट कर सकते हैं। जीवन में जो गरीबी या दरिद्रता आती है, वो प्रारब्ध की वजह से आती है, और अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो वो आपके प्रारब्ध को बदल देते हैं, आपको दरिद्रता से बाहर निकाल देते हैं। आप सामान्यतः चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आता रहे, नॉर्मल लाइफ में आपकी जिंदगी बेहतर रहे, तो क्या उपाय करेंगे? प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। सादा जल, प्लेन वाटर, भगवान शिव को समर्पित करेंगे रोज। इसके बाद नमः शिवाय का जप करेंगे कम से कम 108 बार सुबह के समय, और रोज शाम को सूर्यास्त के समय शिव जी की आरती करेंगे। और याद रखिए, आप तामसिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर आप रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव मंत्र का जप करें और संध्या काल में शिव जी की आरती करें, तामसिक आहार ग्रहण न करें, तो सामान्य रूप से आपको जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कभी तो बहुत पैसा आता है, कभी अच्छा पैसा आता है, और कभी बिल्कुल पैसा नहीं आता। तो अगर आपके धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है, कभी धन आता है कभी नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए? सोमवार को शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करिए। कम से कम 3 बेलपत्र, 9 बेलपत्र या 11 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए, साथ में जल चढ़ाइए। शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए और इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। और जो सफेद मिठाई का भोग लगाया था, ये प्रसाद बांटिए। ऐसा हर सोमवार को करते जाइए,
आपके धन की स्थिति में उतार चढ़ाव नहीं होगा। और एक काम जरूर कर लीजिए, अभी सावन का महीना चल रहा है तो घर के मुख्य द्वार पर बेल पत्र का एक पौधा लगा लें। अगर आप ऐसा कर लें तो धन की स्थिति में किसी तरह का उतार चढ़ाव लंबे समय तक नहीं आएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।